वेलकम बैक जी। लास्ट वीडियो में मैंने एक कमेंट बोल दिया था एंड पे कि डीएचए में अगर प्लॉट लेना है पोते पोती के लिए तो फिर इन्वेस्टमेंट कर लें। उससे मुझे लग रहा है हसन भाई को थोड़ा वो माइंड कर गए, तो इनसे पूछते हैं कि उसकी रीज़न क्या है, क्यों माइंड कर गए, ये जो मैंने कमेंट लास्ट वीडियो में किया था थोड़ा क्लैरिटी देते हैं। हसन भाई के पास चलते हैं। माइंड ही मैंने किया, मैं थोड़ा सा प्रिकॉशनरी बात आपने वो कर लिया सवाल। इसमें मेरा ओपिनियन ये है कि पोते पोतियों के लिए भी आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो करनी है ना, वो भी डीएचए में नहीं बनती। आप आज इत्तेहाद फेज वन का कमर्शियल 355 का आई बिलीव वो आप ले लें, और एक कमर्शियल फेज नाइन में उतने पैसों में ले लें, जो भी बेस्ट ऑप्शन आपको डीएचए में मिलती है, आप 10 साल बाद देख लें। थिंग्स हैव चेंज्ड। पहले क्योंकि अनसर्टेन मुल्क है, इसमें बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, डीवैल्यूएशन होती है, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, पॉलिसी चेंज हो जाती है, जंग छिड़ जाती है, बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी, ज्यादा लॉन्ग प्ले नहीं आप कर सकते। इसीलिए डीएचए में लोग इन्वेस्ट करते थे कि वो लॉन्ग प्ले कर सकते हैं, सेफ रहेगा, प्लॉट हमारा रहेगा। ओवरसीज को डीवैल्यूएशन का नुकसान पे नुकसान, 15 सालों बाद भी उतने पैसे बन रहे जितने उन्होंने भेजे थे यूरोज और डॉलर्स में। अब पाकिस्तानियों के लिए भी यही है कि आप इंस्टॉलमेंट वाली प्रॉपर्टी लें, पूरे पैसे दे के आपका नुकसान पहले दिन से शुरू हो जाता है। तो पहले वो चीजें होती थी, आप अब वो चीजें नहीं है। अब आप देखिएगा, आप ड्रीम गार्डन में आज तो रेजिडेंशियल प्लॉट ले लें, आप अलकबीर में ले लें, आप फिर डीएचए किसी भी प्लॉट में 10 साल में वैल्यूएशन कर लें। डीएचए इज स्टिल द चीपेस्ट प्रोडक्ट, वो ऐसी होता है, डीएचए बनता खुली जगह पे। सो बट स्टिल आई डोंट थिंक फैसिलिटीज पॉइंट ऑफ व्यू से हॉस्पिटल्स इधर नहीं है, वाटर नेक रोड्स हैं, सो बहुत बड़ा 3 लाख नाली सजा के, इसलिए मैं नहीं रिकमेंड करता। लोगों को अब समझ आ गई है, लोग अब एजुकेटेड हो गए हैं, सो इट्स नॉट गोना वर्क एनीमोर। डेफिनेटली जी, हसन भाई का जो पूरा बताने का मकसद है वो यही है कि डिलीवरी वाले डेवलपर के पास जाएं आप, और 20-20 साल जो लगा देता है उसके पास नहीं जाना है। दूसरा, अगर आज के दिन आप देखें कि किस डेवलपर के प्रोडक्ट पे ऑन चल रहा है डीएचए में, आप यकीन करें आज के दिन हम प्लॉट बेचने जाएं बिक ही नहीं रहा। और अगर इत्तेहाद टाउन आप देखें, ड्रीम गार्डन देखें, अलकबीर डेवलपर के प्रोडक्ट्स देखें, तो माशाल्लाह उनके ऊपर ऑन चल रहे हैं। ऑन क्यों चल रहे हैं? वो डिलीवर कर रहे हैं टाइम से पहले। तो another point के installments DHA में पूरी पे, जब क्यों नहीं ट्रेडिंग हो रही है, एक-एक ट्रांसफर दो-दो ट्रांसफर, पांच-पांच ट्रांसफर हो रही है, और इधर हमारे इत्तेहाद के ऑफिस जाएं आप, ड्रीम गार्डन किसी की भी ऑफिस जाएं, तो गेमा क्या नहीं होती है। वो यही वजह है कि वो उनके फुल पेमेंट करनी पड़ती है। इधर आपने करोड़ का प्लॉट लिया, आपने 25 लाख देना है, 30 लाख देना है, तो उसमें प्रीमियम भी जनरेट होता है, परसेंटेज आरओआई भी बढ़ जाता है, और पेमेंट भी करनी पड़ती है। दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस, वन ऑफ द मेन रीजंस। तो बी वाइज, जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो चूज वाइजली द डेवलपर हु इज डिलीवरिंग इन लाहौर, और इंस्टेड ऑफ बड़ा नाम के पीछे आप जाएं, तो ये जो अच्छा काम कर रहे हैं आप उनको ज्वाइन करें और उनकी डिटेल्स लें जो आपको सूट करता है। इत्तेहाद टाउन में हम लोग खुद काम कर रहे हैं, तो इत्तेहाद टाउन की किसी किस्म की क्वेरी आपकी हो तो आप हमारे साथ इन दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं, आपको बेस्ट सर्विसेज कंसल्टेंसी देंगे हम लोग। तो स्टे हैप्पी, थैंक यू।